सर दोस्तों वेलकम बैक। आज है मेरे पास पीट्रॉन का बजट सेगमेंट का एयरबड। इसका प्राइस है सिर्फ 800 रुपीज और यह है पीट्रॉन ZenBuds Evo X1 Pro। और अगर इसके फीचर्स देखें तो भाई 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, तो भाई कनेक्टिविटी हल्का सा भी आपको इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में AC ब्लूटूथ कोड भी सपोर्ट करता है, जिस वजह से साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया मिलने वाला है। और इसमें आपको क्वाड माइक देखने को मिल रहा है, सिंगल वर्ड में डुअल माइक का इस्तेमाल कर रखा है, जिस वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस और कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और फास्ट पेयरिंग का भी फीचर्स है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप केस को खोलोगे क्विकली आपके फोन के साथ पेयर अप हो जाएगा, आपको बर्ड्स भी निकालना नहीं पड़ेगा। और बर्ड्स को अंदर रख के जैसे ही आप केस बंद करोगे आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पर आपको लो बैटरी इंडिकेटर का भी फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है। 4 LED फिट कर रखा है, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि भाई केस में कितना परसेंट चार्ज बचा है और आपको चार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई इस फीचर्स के बिना आप कैसे भी करके पता नहीं लगा सकते हो कि केस में कितना चार्ज बचा है। और टोटल 65 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक है, IPX5 का वाटर रेटिंग है। और ये प्रोडक्ट आपको टोटल 3 कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है, आप देख लो आपको कौन सा पसंद है। मैंने ब्लैक खरीदा, ब्लैक ज्यादा कूल लग रहा है और इसका प्राइस भी थोड़ा हाई चल रहा है अभी के टाइम। तो चलिए भी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद है तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं तो ऊपर आपको पीट्रॉन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नीचे ZenBuds Evo X1 Pro को प्रिंट कर रखा है। और बॉक्स के दोनों साइड अपने ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट किया। इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है, टेस्टेड है भाई। और पीछे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी लोचा हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए भाई जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पीट्रॉन का इस बार काफी अच्छा है। और भाई पेपर वर्क देखो उन्होंने क्या दिया है, ज़ेरॉक्स उठा के दे दिया। ये है यूजर मैनुअल डाउनलोड करने का QR कोड और ये है वारंटी रजिस्टर करने का QR कोड। और एक्सेसरी इसमें क्या है, ये है टाइप सी चार्जिंग केबल, क्वालिटी काफी बढ़िया है लेकिन काफी ज्यादा छोटा है। और यह है 2 जोड़ी 8 टिप्स लार्ज एंड स्मॉल मीडियम साइज का बॉर्ड्स में लगाया है। और अभी क्लोज लुक केस की तरफ, सो भाई केस का लुक काफी बढ़िया है। ऊपर आपको पीट्रॉन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, मैट ब्लैक कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और भाई लुक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम सा नहीं लगता, लो बजट प्रोडक्ट देख के फील होता है। और नीचे के साइड इन्होंने 4 LED फिट कर रखा है, जो की है बैटरी इंडिकेटर, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि भाई केस में कितना परसेंट चार्ज बचा है और आपको कब चार्ज करना है। सरप्राइजिंगली एकदम से चार्ज खत्म नहीं होता, तो ये काफी बढ़िया लगा। और ऊपर से साइड से कुछ ऐसा दिखता है, नीचे के साइड है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और पीछे के साइड कुछ यूनिक नंबर इन्होंने प्रिंट कर रखा है। और केस का ऑल ओवर लुक एंड शेप भी काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा कन्वीनियंट इसे कैरी करना है। जींस के साइड में जो छोटा पॉकेट होता है वहां पर इजीली एडजस्ट हो जाएगा। और पूरी तरह से वन हैंड यूजेबल है ये प्रोडक्ट, आप इजीली एक हाथ से केस खोल सकते हो, बर्ड्स निकाल सकते हो, बर्ड्स को दोबारा अंदर रख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मशक्कत होगा क्योंकि भाई कैप बंद हो जाता है अपने आप, लेकिन आप धीरे धीरे यूज ट्रीट हो जाओगे। और कैप खोलने के बाद जो लुक है ना भाई, मस्त है, कमाल लग रहा है देखने में, बहुत सही है। इसके खोलने बंद करने का जो स्टाइल है ना भाई, मस्त लगा मेरे को। और अभी क्लोज लुक बर्ड्स की तरफ, सो भाई बर्ड्स के ऊपर आपको पीट्रॉन का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और पूरा मैट ब्लैक कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और ऊपर आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका फर्स्ट माइक। और आप LED ब्लिंक करता हुआ देख रहे हो, अभी तक मैंने कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्ट करने के बाद ये लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाता है। और सेकंड माइक कहाँ पर है, एकदम पीछे आप एक और होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका सेकंड माइक। और भाई इन्होंने माइक का होल थोड़ा सा बड़ा बनाया है, जिस वजह से भाई इन्होंने IPX5 का वाटर रेटिंग दे तो दिया है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भाई वाटर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि भाई माइक का होल काफी बड़ा है, पानी घुस जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और पानी से थोड़ा सावधानी से ही आप इसके इस्तेमाल करना। और बर्ड्स का आप ऑल ओवर लुक एंड शेप देख सकते हो भाई, काफी बढ़िया है। आगे के साइड है मैट ब्लैक कलर और पीछे के साइड है ग्रॉसी ब्लैक कलर, ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है देखने में। और इसका टच का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, कभी भी मिस आउट नहीं होता है, हमेशा रिस्पॉन्स करता है। और अभी पीट्रॉन का फंक्शन देखे तो सिंगल टच से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो। कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको 2 सेकंड लॉन्ग टच करना पड़ेगा दोनों में से किसी भी वर्ड्स पे। वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए 2 सेकंड लॉन्ग टच करना है। नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको डबल टच करना है। वॉल्यूम अप डाउन के लिए लॉन्ग टच करना है। सो दोस्तों ये है अपना बर्ड्स, उल्टा करके अगर आप झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता है, ज्यादा जोर से झटका मारोगे तभी गिरेगा। तो भाई इसका फिटिंग काफी अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स काफी अच्छा, अभी सुनते बचता है क्या, हल्का सा भी नहीं बचता दोस्तों, तो ये भी काफी बढ़िया लगा मुझे इस प्राइस रेंज में। और अगर इसके फील एंड कंफर्ट के बारे में बात करें तो भाई इसका फील एंड कंफर्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, पूरा दिन इसका इस्तेमाल करो, कानों में हल्का सा भी पेन नहीं होता। और भाई फिटिंग भी जबरदस्त है, आप इसे पहन के धीरे जॉगिंग भी करोगे ना तब भी आपके कानों से नहीं गिरेगा, और जिमिंग के लिए भी परफेक्ट है ये। और बर्ड्स का नॉइस कैंसिलेशन भी काफी अच्छा है, सीलिंग फैन के नॉइस को, टेबल फैन के नॉइस को इजिली रिड्यूस कर सकता है, 80% नॉइस को रिड्यूस कर देता है। तो भाई बर्ड्स का फिटिंग मुझे जबरदस्त लगा। और अगर इसके म्यूजिक एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई जैसा दाम वैसा माल,
साउंड एक्सपीरियंस ठीक ठीक है, वोकल्स क्लियर है, लाउड भी है और ट्रिपल छनकार भी काफी अच्छा है, छनछन सा मारता है, सुनने में बढ़िया लगता है। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको अच्छा खासा हाई पावर बूम पंची बेस सुनने को मिल रहा है। बेस ठीक ठीक है, हाई पावर बोल सकते हैं। और हाँ, इसका म्यूजिक सप्रेशन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा फील होता है 50% वॉल्यूम में भी। इसका आवाज ही ऐसा है दोस्तों, अगर आप इसे नॉर्मली खरीदते हो या फिर अगर आपका पहला एयरबड है तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी अच्छे एयरबड के साथ इसका कंपैरिजन करोगे तब आप एकदम क्लियर समझ पाओगे कि आवाज क्लियर नहीं है। जब भी इस ट्रिबल और वोकल्स कानों में आता है तो भाई मैशअप हो जाता है, थोड़ा सा कचरा सा हो जाता है, मजा नहीं आता सुनने में। तो म्यूजिक सप्रेशन मुझे इसका कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन मूवीज के लिए, डायलॉग्स के लिए काफी अच्छा है, सब कुछ एकदम क्लियर समझ में तो आता है, लेकिन मजा नहीं आता क्योंकि भाई म्यूजिक सप्रेशन बर्बाद है इसका। अब देख लो भाई, लेकिन प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक ठीक है, 800 में इससे बेहतरीन कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि लुक्स में भी बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है और ठीक ठीक है साउंड एक्सपीरियंस। तो चलिए अभी एक गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वैसे इसमें आपको लो लेटेंसी का फीचर्स नहीं मिल रहा है, गेम मोड भी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक टेस्ट करके दिखा देता हूं मैं आपको। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि डिवाइस मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी देख लेते हैं इसका लो लेटेंसी कैसा है। और अप्रॉक्स मेरा 50-60 का पिंग कर रहा है, अभी 56 दिखा रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। अभी स्लो मोशन में देख लेते एक बार। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है, गेमिंग के लिए आप लेने का सोचना भी मत, क्योंकि साउंड का डिले बहुत ही ज़्यादा आता है, गेमिंग के लिए बहुत बर्बाद है ये। तो चलिए अब एक माइक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो दोस्तों, पीटोन है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हैं कि कैसा है पीटोन का माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और मेरा आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइज है, अगर इस नॉइज को रिड्यूस कर रहा है मतलब भाई सीलिंग फैन की आवाज को, टेबल फैन की आवाज को इजीली रिड्यूस कर सकता है। और इसमें आपको पॉड माइक देखने को मिल रहा है, और वो भी ENC नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए अभी एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट तो बनता ही है। तो दोस्तों, ये मेरे पास सेट है जो कि काफी ज्यादा नॉइस है, आप देख रहे हो मेरे पास बोलते हैं, और अभी आप सुनो कि इस नॉइस में कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये एयरबड प्रोवाइड कर रहा है, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है। और दोस्तों, ये था साइड नॉइस कैंसिलेशन, अभी सुनो कि अगर मैं सामने ट्राई करता हूं कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये एयरबड प्रोवाइड करेगा। बाइक राइडिंग के टाइम सामने वाले को ऐसा ही आवाज सुनाई देगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस इंडोर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस्ट है, क्योंकि आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब कर रहा है, साथ ही में हल्के फुल्के नॉइस को भी रिड्यूस कर रहा है, तो भाई इंडोर यूज करने के लिए बेस्ट है। आउटसाइड भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भाई एकदम हैवी नॉइस में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हल्का फुल्का नॉइस हो तो भाई उस नॉइस को रिड्यूस कर सकता है। तो भाई 800 प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी अच्छा है, इससे ज्यादा बेटर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महंगाई के जमाने में। बैटरी बैकअप देखा जाए तो इसका बर्ड्स मुझे 100% वॉल्यूम में 5 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है, और इसके केस में है 400 mAh का बैटरी, जिसके हेल्प से आप इसके बर्ड्स को 4 बार फुल्ली चार्ज कर पाओगे। सो 5+20 टोटल 25 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 100% वॉल्यूम में, और 50% वॉल्यूम में इजिली 50 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो भाई इसका बैटरी परफॉर्मेंस ठीक ठीक है, और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वाट चार्जर से। और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 वाट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं अगले प्रोडक्ट में, तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ। अब सही है।